नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम NX200 यह मॉडल जो प्रिसियोल कंपनी का है वह हम देखने जा रहे हैं, जो कि हमने ख़रीदा है। तो इसका अनबॉक्सिंग देखिए अभी हम कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पैकिंग थी। तो यहाँ बड़ी सिटीज़ जो रहती है तो वहाँ पे आपको यहाँ गन शॉप, एयर गन शॉप आपको इजीली मिल जाएंगी, अवेलेबल रहती है। और यहाँ जो गन है इसके लिए किसी तरह का लाइसेंस की ज़रूरत नहीं रहती, यहाँ स्पोर्ट्स पर्पज़ के लिए रहता है, तो आपको स्पोर्ट्स के लिए ही इस्तेमाल करनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ NX200 एथीना क्लासिकल। तो एक स्प्रिंग वाली भी गन रहती है और यह नाइट्रोजन वाली है, नाइट्रोजन गैस इसमें डिब्बी रहती है इसके अंदर में, तो इस वजह से इस गन की कीमत 14,000 तक रहती है। यह प्राइस कम ज़्यादा हो सकती है मॉडल के हिसाब से। और वहीं आप स्प्रिंग वाली लेंगे तो वहाँ आपको 8,000 से 10,000 के बीच में वहाँ गन मिल जाती है। और रेंज के ऊपर वहाँ डिपेंड करता है और कि उसका प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पैलेट्स देखिए किस तरह से यहाँ पैलेट रहते हैं। तो तीन तरह के पैलेट्स आपको मिल जाते हैं। एक राउंड शेप का रहता है सामने में, एक नुकीला रहता है और पॉइंटेड वाला, और ये देखिए यहाँ फ्लैट वाला है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ गोली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पॉइंटेड है, पहले हमने फ्लैट वाला देखा, अब यहाँ पॉइंटेड वाला छर्रा है और अभी हम राउंड शेप वाला पैलेट देखने जा रहे हैं, जो कि हमारे को गन के साथ में एक डिब्बी फ्री मिली थी और एक डिब्बी हमने ख़रीदा है, जो कि 500 पैलेट्स नियरली रहते हैं और उसकी कीमत 350 से लेके 500 रुपये तक कम ज़्यादा रहती है। और यहाँ देखिए यहाँ जो डिब्बी है, यहाँ कंपनी की तरफ से ऑथराइज हमारे को पैलेट्स मिले हैं। देखिए प्रिसियोल कंपनी के छर्रे। देखिए सामने में राउंड शेप है, तो प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए आपने फ्लैट वाली या राउंड शेप वाला ही इस्तेमाल करना चाहिए, पॉइंटेड वाला नहीं, क्योंकि किसी को इंजरी हो सकती है। बहुत सारे प्रिकॉशन भी आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं जब भी आप एयर गन का इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिस के लिए। जो राउंड शेप आप देख रहे हैं इसे इंग्लिश में नोज़ कहते हैं, और उसके पीछे वाला जो साइड रहता है इस पीछे वाले भाग को स्कर्ट कहते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पैलेट। तो इस पैलेट को आपको गन में किस तरह से डालना है वह भी आपको मैं दिखाऊंगा। चलिए इस गन को अब हम खोल के देखेंगे वहाँ किस तरह से दिखती है। और कुछ सेफ्टी के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। जब भी आप गन, एयर गन का इस्तेमाल करते हैं तो गन का जो जहाँ से गोली निकलती है वहाँ मझल ऊपर में रहता है, तो वहाँ आपको किसी इंसान की ओर आपको वहाँ नहीं रखना है, नहीं तो गलती से वहाँ गोली किसी इंसान की ऊपर में चल जाएंगी। तो यहाँ ध्यान दें, या तो ऐसी खाली गन का भी आपको चलाना नहीं है, खाली गन को भी आपको चलाना नहीं, विदाउट पैलेट आप इस्तेमाल न करें। और जब भी आप गोली चलाते हैं तब ध्यान दें कि किसी आप जब भी गोली चला रहे तो उस टारगेट के पीछे में आने जाने का रास्ता न हो, या किसी इंसान की बस्ती न हो, नहीं तो वहाँ गोली अगर कभी आपके टारगेट से छूट गई तो वहाँ किसी को भी इंजरी हो सकती है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दें। तो आपने अगर एयर गन स्पोर्ट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने दी है तो वहाँ व्यक्ति जब आपको वापस करता है एयर गन तो वहाँ लोडेड ना हो, इसका एक बार चेक करना ज़रूरी है। और दारू पी के
इस गन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि आप होश में नहीं रहते और आप किसी तरीके से किसी को इंजरी न करें, यहाँ थोड़ा ध्यान दें। और जब तक आप रेडी ना हो शूटिंग के लिए, शूट करने के लिए, तब तक ट्रिगर के ऊपर में आपको आपकी फिंगर नहीं रखना है, नहीं तो ट्रिगर पे अगर उंगली रहेंगी तो गोली चलेंगी, तो इससे किसी को गोली छूटने से इंजरी भी हो सकती है। तो इस इन तरह के आपको थोड़े सेफ्टी के प्रिकॉशन ध्यान में रखना है। सकते हैं आप इसे मजल कहते हैं, जो पॉइंटेड पोर्शन पे था और उसके ऊपर में था फ्रंट साइड। और देखिए अभी हम बैरल को देखिए, हमने मोड़ दिया है। इस बैरल को मोड़ने के बाद में अब आपको पैलेट डालना है। तो आपको पैलेट का नोज पोर्शन जो कि राउंडेड है, अभी हम जो पैलेट इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ राउंडेड वाला है, तो उसका नोज पार्ट हमारे को देखिए इंसर्ट करना है ब्रीच में। देखिए अब हम ब्रीच में, ब्रीच मतलब ये जो राउंडेड आपको दिख रहा है जो बैरल के अंदर में रिंग, उसमें अब हम पैलेट का नोज पोर्शन मतलब सामने वाला हेड पोर्शन वह अभी हम डाल रहे हैं, और स्कर्ट पोर्शन देखिए पीछे में रहता है। तो अब हम इसे लॉक करने जा रहे हैं। देखिए अब झटका देके थोड़ा सा ऐसे पास में लाके आपको ये करना है। देखिए अब इसके बाद में अब हम एयर गन से देखिए अब हम शूट करने जा रहे हैं। तो इस गन जो यहाँ एयर गन है, ये नेक्स्ट 200, इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर है, वहाँ है सेफ्टी लॉक। तो सेफ्टी लॉक को आपको आगे पुश करना पड़ता है, उसी के बाद आप एयर गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पैलेट चलाया, आगे पुश करने के बाद में हमने ट्रिगर को दबाया और देखिए यहाँ बॉटल पर देखिए छेद, गोली इस बॉटल के दोनों हिस्से से आर पार हो चुकी है। देखिए तो बहुत ही पावरफुल यहाँ रहती है। पर ध्यान दें कि आप जहाँ शूटिंग कर रहे हो उसके पीछे में किसी इंसान की आने जाने की हलचल या रोड ना हो, नहीं तो किसी को यहाँ पैलेट लग जाएगा। तो देखिए अभी और फिर से हम पैलेट चलाने जा रहे हैं। देखिए अब हम फिर से देखिए शूटिंग कर रहे हैं। तो देखिए जो सेफ्टी लॉक है वह ऑन था, उसे हमने ऑफ कर दिया है और अब हम फायर कर सकते हैं पैलेट को। तो देखिए ट्रिगर का इस्तेमाल करके हमने पैलेट फिर से चलाया, तो देख सकते हैं यहाँ छेद हो चुका है।